तो मैं शैतान हूँ और तुम मुझे कंकड़ियाँ मार के सवाब कमा रहे थे। जाहिर है। ठीक है, फिर सवाब वाली हरकत के बारे में ना अंकल को बताऊंगी मैं। क्या जी, इस बार तुम्हारी शिकायत देवी आंटी से नहीं, अंकल से करूंगी। मैं इससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। अब्बू के आने से पहले तुम इसको मना लो। अरे भी कोशिश तो की है, आपने देखा नहीं कितनी अकड़ी है। अंकल मुझे आपको कुछ बताना है। एक मिनट बेटा, ये जरा एक SMS है। वो अम्मी देखे मैं इतनी अच्छी अच्छी शॉपिंग करके लाई हूँ, ये देखें कैसा है? अच्छा है। और ये वाला जोड़ा कैसा है बेटे? अच्छा है। क्या अम्मी हर चीज को कह रही है कि अच्छा है? बेटा ले आई हो तो अब इनमें से बुराई कैसे निकालू? अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही मुझे बता दे, वापस कर आऊंगी मैं। बेटे अच्छी है, लेकिन इसी तरह के तुम्हारे पास 2-3 पहले भी तो हैं। फरहत देखो, ससुराल जाके इसी तरह की फजूल खर्ची करोगी तो क्या हुआ? डिफरेंट स्टाइल के जोड़े हैं ये। अच्छा ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ वैसे तो तुम्हारी क्या बात हुई है? बस मुझे इतना पता है कि मेरी शादी बहुत ही बोरिंग होने वाली है। फरहत ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वासिफ तो किसी चीज को लेकर एक्साइटेड ही नहीं है। शादी कैसी होगी, थीम क्या होगी, वो एंट्री किस तरह की देगा, वो कहता है ये सब चौंचलेबाजी हमारे घर में नहीं होती। देव वो बहुत सादे लोग हैं, अभी तुम उन लोगों से मिली नहीं हो, तुम फिक्र नहीं करो, जैसी शादी चाहती हो ना हम उन्हें मना लेंगे। अम्मी वो तो कह रहा था कि मेरी अम्मी से ऐसी कोई बात नहीं करना, बल्कि ऐसी सारी बातें सिर्फ वलीद से करना। आपको पता है वो मुझको ज्वाइंट फैमिली में रहने की टिप्स दे रहा था, कह रहा था कि ज्वाइंट फैमिली में सोच समझ के बोलना पड़ता है, वरना छोटी सी बात पर भी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ ये तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। तो शुक्र है तुम्हारे अब्बू मुझे जल्दी लेकर अलहदा हो गए, वरना तुम्हारी फुफियों ने तो पहले दिन से मेरा जीना हराम कर दिया था, एक एक बात पकड़ती थी। तुम अपना दिल थोड़ा ना करो। कुछ पूछा है मैंने तुमसे, ये क्या सिलसिला चल रहा है? अम्मी बस एक दो बार बात हुई है। तुमने फोन नंबर दिया था उसे या उसने खुद से लिया था? मुलाकातें भी करते रहे हो? बिल्कुल भी नहीं अम्मी, बस उसी वक्त मिला था मैं उससे। और उसकी अम्मी, उससे भी बात होती रही है? अम्मी कसम ले ले एक बार भी कॉल नहीं आई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों बातें क्या करते हो, जरा मुझे भी पता चले ना कि आखिर बातें होती क्या हैं, क्या बातें करते हो? अम्मी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था, मैं अस्पताल में था तो अस्मा भाभी का बता दिया। ना बात पक्की हुई है, ना मंगनी हुई है, ना अंगूठी की रस्म हुई है, ना शादी की तारीख तय हुई है, तो इससे पहले उनको क्या जरूरत पड़ी खैर खैरियत पूछने की? हैं बेटा, ये लड़कियों के हरबे होते हैं शादी से पहले लड़कों को मुट्ठी में करने के। भाई जो भी बात करनी है शादी के बाद करो, पहले करने की क्या जरूरत है? मुझे ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियों के। हालांकि वो लड़की मुझे अच्छी लगी थी, माँ बाप भी बहुत नफीस है, लेकिन ये शादी से पहले खैर खैरियत पूछने के ये जो तौर तरीके हैं ना, ये मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। जो बात करनी है शादी के बाद करूँ, गलत कह रही हूँ मैं? बताओ क्या मैंने गलत कहा है या ठीक कहा है? ठीक कह रही है आप मम्मी। ठीक कह रही हूँ ना, तो फिर तुम भी सुन लो, इस जगह अब मैं रिश्ता करने के हक में नहीं। लड़की का फोन है ना? अम्मी वलीद की कॉल है, आप देख लें। तो उठाओ ना, पूछो उससे क्या कह रहा है वो। हाँ वलीद। एक मिनट, अम्मी वो पूछ रहा है दाल लाल लानी है या पीली वाली। अजीब लड़का है ये, दालों के नाम नहीं इसे पसंद है। शादी होगी इसकी तो इसकी बीवी मुझे पूछेगी कि कैसा लड़का जवान किया है, उसे कह दो लाल वाली दाल ले आए। अम्मी कह रही है लाल वाली लानी है,
एक किलो। अल्लाह हाफिज। अम्मी में जाऊं? हाँ जाओ। अस्मा से कहना गोश्त निकाल ले फ्रीजर से। जी अम्मी। भाभी अम्मी कह रही है फ्रीजर से गोश्त निकाल दे। वासिफ मेरी बात सुन, इधर बैठो। क्या कहा है अम्मी ने? आपको बताया था अम्मी ने? मेरे सामने फोन आया था भरत की अम्मी का मेरी खैरियत पूछने के लिए। तो भाभी इसमें गलत बात क्या थी? ये तो अच्छी बात थी कि आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था उन्होंने। उनको ये बात बुरी नहीं लगी, उनको ये बात बुरी लगी कि तुम इस लड़की से फोन पे बातें करते हो। खैर अच्छा ही है ना, रिश्ता खत्म हो रहा है। इसमें अच्छी क्या बात है? ये तो गलत बात है ना कि हम हाँ करके ना कर देंगे। तुम ज्यादा ड्रामे मत करो, मुझे पता है कि तुम बहुत खुश हो ये रिश्ता खत्म हो रहा है। मैं क्यों खुश हूँ? फरत एक अच्छी लड़की है और अम्मी ने खुद पसंद किया उसे मेरे लिए। देखो तुम मुझे साफ साफ बता दो, मैं अम्मी को राजी करवा लूंगी, फिर तुम उनको रामीन के घर ले जाना। रामीन? आप रामीन को कैसे जानती? इस बात को छोड़ो, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम रामीन को पसंद करते हो ना, तो मैं और वलीद अम्मी को मना लेंगे। अभी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे तुम्हारी क्लास फेलो रामीन की बात कर रही हूँ, तुम उससे पसंद करते हो ना, शादी करना चाहते हो उससे। अभी आपको रामीन के बारे में किसने बताया? सिर्फ क्या फर्क पड़ता है मुझे किसने बताया, बस बात ये है कि तुम उसे पसंद करते हो, मैं अम्मी को समझा लूंगी, वो तुम्हारा रिश्ता वहां पर ले जाएंगे। अब तुम परेशान मत हो, जैसा तुम चाहते हो ना इंशाल्लाह वैसा ही होगा। भाभी मुझे सिर्फ ये बता दे कि रामीन के बारे में आपसे किसने कहा है? हॉस्पिटल आई थी वो मुझसे मिलने। नाक में दम कर दिया इसने मेरे। क्या मतलब तुम उसे पसंद नहीं करते? जहर लगती है वो मुझे, जहर खामा खा मेरे पीछे पड़ी हुई है। भाभी आप इधर बैठे और मुझे पूरी बात बताएं, वो आपके पास कब आई थी और उसने क्या क्या बातें की आपसे? बताते हैं। रशीदा, वो मस्जिद में जमात वाले आए हुए हैं, खाना भिजवा देना। ठीक है, अस्मा से कहती हूँ भिजवा देगी। ये हर काम तुम अस्मा पे क्यों छोड़ देती हो? अरे भाई अभी वो अस्पताल से आई है, उसे आराम कर लेने दो। मैं कहाँ कहती हूँ, खुद ही आके खड़ी हो गई, कहने लगी मैं अपने कमरे में लेटे लेटे थक गई। अस्सलाम वालेकुम दादा। समोसे लेने के लिए आएंगे तो खा लेना, और जाओ जाके सिपारे रख कर आओ। जाओ शाबाश। ठीक है दादा, मुझे पूरी कुल्ला उल्ला याद हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चलो जरा सुनाओ। कुल्लो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो जीते रहो, शाबाश शाबाश। लो बेटो मेरे जान। बस फिर तुम्हारे भाई कमरे में आ गए, मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे कि वो गलती से मेरे कमरे में आ गई है। शुक्र है वो भी समझ गई इस बात को और खुदाफिस करके चली गई, और ये शुक्र करो कि तुम्हारे भाई के आगे उसने कुछ कह नहीं दिया। कितनी चलाक औरत है ये, मुझसे एक बार भी जिक्र नहीं किया उसने, और उल्टा आज मुझसे आपका नंबर मांग रही थी। मुझे तो लगा तुम दोनों वाकई एक दूसरे को पसंद करते हो। मैंने तो सोच लिया था कि अम्मी को राजी कर लूंगी,
शुक्र है भाभी मैं उस दिन अम्मी को वक्त पर लेकर निकल गया। अगर ये सब बातें वो अम्मी के सामने कर देती तो अम्मी मुझे उल्टा लटका देती। तो मुझे समझ में नहीं आया, अगर तुमने उसे वाजे तौर पर समझा दिया है कि तुम उसे नहीं पसंद करते तो फिर वो क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? हो सकता है वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती हूँ। भाभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करता उसे मोहब्बत। अच्छा तो तुम ना गुस्से में मत बात करना, जरा धीमे लहजे में उसको समझाना कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। उससे तो मैं देख लूंगा, पर ये बताए मैं फर्ज को क्या कहूंगा? अब अम्मी कह रही है कि वहां रिश्ता नहीं करेंगी वो। अरे बेशर्मो, जरा सुकून ना लेने देना है। देख भी रहे हो कि माँ सो रही है, लेकिन जरा जो एहसास हो तुम लोगों को। अरे आग लगे इस मोबाइल को। मम्मी मुझे मोबाइल नहीं दे रही। इस मोबाइल को तुम्हें चूल्हे में झोंकती हो भी। फसाद की जड़। दो इधर मुझे। नहीं। चल भाग भाग यहाँ से। चल तू भी चल चल सोने दे मुझे। ठीक है, फिर मम्मी ने जो तस्वीरें डाली है ना मैं वो भी नहीं दिखाऊंगी। इधर दिखा मुझे क्या पोस्ट किए, जल्दी से दिखा। ये देखे मामू के साथ सीवी पर गई है। ये इसने ना मुझे जलाने के लिए की होगी, कितनी बुरी लग रही है। तो आप भी अपनी आईडी बना ले, फिर आप भी तस्वीरें डाल के मुमानी को जलाइएगा। तुम्हारा बाप मुझे लेके कहाँ जाता है जब मैं तस्वीरें खींचूंगी और डालूंगी और वो जलेगी। दिखा जरा करीब कर करीब। ये देखा है। जरा शर्म हया नहीं है इस औरत को, कैसे मामू के बगल में गुस्से खड़ी है। बेच खाई है इसने अपनी शर्म हया। बना दो आपकी भी आईडी। चल छोड़, ये फेसबुक नहीं ये फसाद बुक है। चल जा यहाँ से। इधर आ, मोबाइल देके जा। अरे मम्मी प्लीज देके जा। तू चल भाग यहाँ से, चलाक मेरे साथ चलाती है। कहीं लेके ही नहीं जाता मुझे। आवासिफ, प्रॉक्सी लगा दी थी मैंने तुम्हारी। अली ये क्या हरकत की तुमने? मैंने क्या किया? तुम्हें पता था ना रामीन मेरी भाभी से मिली है, तुम भी इसकी प्लानिंग में शामिल थे ना? नहीं तो रामीन तुम्हारी भाभी से कब मिली? अब ज्यादा मासूम मत बनो, तुम ही लाए थे उसे हॉस्पिटल। हाँ वो सिचुएशन तो मैंने तुम्हें बता दी थी ना, बस फिर वहां से वापस चली गई थी, भेज दिया था मैंने उसको। वो वापस नहीं गई थी बल्कि भाभी के रूम में चली गई थी मिलने। What? And then? क्या फिर? उसने भाभी को बताया कि मैं और वासिफ एक दूसरे को पसंद करते हैं। वासिफ आप लोगों को बताने से घबरा रहा है। आप उसे समझाए ताकि वो घर रिश्ता लेके आए। और मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हें पहले से मालूम है, पर तुम मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हो। वासिफ ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुन। वासिफ? रामीन,
मुझे समोसा मंगाने का ख्याल किसको आया? बड़े मजे के हैं, अब्बू ने मंगवाए। वो जल्दी आ गया आज? बड़े मजे हैं भाई, कभी नसीर जल्दी आ जाता है, कभी अब्बू जल्दी आ जाते हैं। हाय बेचारे, एक जमाल ही है जो देर तक दुकान पे बैठे रहते हैं। सच कहूँ ना तो जमाल की वजह से ये घर और दुकान चल रहे हैं। तुम क्या लगा रही हो? गोश्त निकलवाया अम्मी ने, सोच रही हूँ आलू गोश्त चढ़ा दूं। हाय कसम से, तंदूर की रोटी के साथ आलू गोश्त मुझे इतना पसंद है। सुनो अस्मा, तो मम्मी को बोलना तंदूर की रोटी मंगा दे आज। मैं बोलूंगी ना तो चिढ़ जाएंगी बड़ी भी, है? बोल दोगी ना अच्छा है ना, तुम्हें रोटियां भी नहीं बनानी पड़ेंगी, है? हाय भाई, बड़े मजेदार, बड़े मजेदार समोसे हैं, एकदम हंसता। प्याज बहुत तेज है भाई। उठ गई तुम? हाय हाय अम्मी, कम से कम मेरी तबीयत पूछ ले, कैसी बुरी हालत में सोई थी मैं, इतनी मतली हो रही थी मुझे, कसम से उल्टी अभी आई के कम ही आई। अस्मा इतना अजीब सा सूट था भाई, बहन तुम तो देखने में नाजुक हो, है? वरना तो तुम लकड़ हो, पत्थर हो, तुम्हें तो कुछ ना हुआ। तुम्हें किसने कहा था कि वो सूप गटक लो? एक तुम बेचारी बना कर लाई है और तुम वो कि उसमें कीड़े निकाल रही हो। कम खाया करो, पहले तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर जाओगी जाके पढ़ के सो जाओगी। आटा गूंद लो। आपको ना स्ट्रोकों की वजह से ना ये होता है सब कुछ। अम्मी मैं आलू गोश्त चढ़ा रही हूँ, साथ में तंदूर की रोटियां मंगवा लें। अरे नहीं भाई, तंदूर की रोटी होती है बहुत सख्त, मुझसे तो चपती नहीं है और इसकी तबीयत खराब है। ऐसा करो गोश्त उठा के रख दो, आज दाल चावल बना लेते हैं। हाँ हाँ दाल चावल बना लेते हैं, ठीक है ना अस्मा, तुम्हें रोटियां भी नहीं बनानी पड़ेंगी, है? चलो अच्छा है, जान छुटी। और ना मैं ये जरा दो समोसे ले जा रही हूँ जमाल के लिए, जमाल के लिए मैं नहीं खाऊंगी। देखा कैसे रोटियां तुम पर डाल गई, हालांकि आटा गूंदने का मैंने उसे कहा था। जिम इनको लगता है सिर्फ इन्हीं का दिमाग चलता है, बाकी सब तो पागल हैं। गरम गरम चाय और समोसे दो हैं, एक तुम्हारा एक मेरा, दोनों मत खा लेना। मुझे नहीं खाना। कहाँ है चार्जर? मेरे मोबाइल का चार्जर देखा है तुमने? यार मुझे क्या पता तुम्हारे चार्जर का। क्या हो गया वासे भाई, अब्बू ने कुछ खाया क्या? जैसे तुम्हें बात करने की मूड में नहीं, तो लिहाजा अपनी चिक चिक बंद करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे पीछे से लड़ाई हुई थी, अजरा भाभी ने कुछ खाया? यार मैं बहुत परेशान, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। परेशानी में भाई भाई का साथ देता है, बताओ क्या बात है? ये जाके अम्मी या अस्मा को भी तो पूछ लो, मुझे नहीं पता। उनसे क्यों पूछूं? परेशान तो हो तुम, बताओ मुझे। यार मैं कुछ दे मारूंगा तुम्हारे सर पे, जब मैं कह रहा हूं मेरे बात करने का मूड नहीं है तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम? ठीक है अम्मी से पूछ लेता हूँ। अम्मी को पता चल गया मैं फरज से कॉल पे बात करता था। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या बोलना था, गुस्सा हो रही थी और ये भी कहा कि इस घर का कोई रिश्ता नहीं करेंगी अब। तो तुम्हें जरूरत क्या थी अम्मी के सामने कॉल करने की? ये मैंने कॉल नहीं की, फरद की अम्मी ने कॉल की थी अस्मा बाबे की तबीयत पूछने के लिए। तो तुमने उनको मना नहीं किया था कि अपनी अम्मी से कोई बात ना करें? खामखा भंड हो गया। अच्छा तुम परेशान मत हो, बात करते। क्या बात करोगे? मैं और अस्मा भाभी मिलके बात करेंगे, समझाएंगे अम्मी को। ऐसा करोगे ना वो जिद पकड़ लेंगी, और अगर बात नहीं की तो वो अपने फैसले पर अमल कर गुजरेंगी। परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा भाई है ना, सब ठीक हो जाएगा। चाय भी ठंडी हो गई है, चलो बाहर जाके पीते हैं। आ जाओ। मुझे नहीं जाना है। यार क्या हो गया, साकिब भी आया है दुबई से, उससे भी मिलना है।
हो जाएगा सब सेट, में कह रहा हूं ना। उठो आ जाओ चलो। नसीर चाय? नहीं भाई आप पी लो, मुझे तलब नहीं हो रही। अरे यार पी लेना, बोर हो रहा हूं मैं, साथ चाय पियेंगे ना? पीना। थके हुए लग रहे हो, अब्बा के साथ घर चले जाते हैं? घर जाके क्या करता हूं, वहां कौन सा आराम है? यार इतनी अच्छी बीवी है तुम्हारी, इतना ख्याल करती है, अब ये शिकायत मैं करूं तो समझ में आती है, घर में घुस हो तो अजरा शोर शराबा शुरू कर देती है। ख्वाद वैसे थोड़ा अपनी बीवी बच्चों की इज्जत किया करो, वो अजरा मुझे बता रही थी उस दिन तुमने जो चीख पुकार की है, अब इतना शोर शराबा करोगे तो बीवी चकरा के तो गिरेगी ना। प्लीज अब आप भी अम्मी की तरह लेक्चर में शुरू करे, बच्चा अगर बिना वजह जिद करे तो बाप का काम है थप्पड़ लगा के उसका दिमाग दुरुस्त करे। क्या जिद की थी? अगर आपको यही बातें करनी है ना तो फिर आप अकेले ही चाय पी लो, घर जाओ तो अम्मी के मुंह से यही बातें सुनो, यहाँ बैठो तो आपके मुंह से यही बातें सुनो, मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। शुक्र करो अब्बा को कुछ नहीं पता, वरना उनसे इतनी सुनते कि याद रखते। और जिस तरह तुम अपने बच्चों के साथ करते हो ना, किस दिन अब्बा ने कर दिया ना ऐसा तुम्हारे साथ, तो पता लगेगा तुम्हें। हेलो, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। तुम भी नसीर भाई वाली हरकत कर रहे हो ना, हद है वैसे। कल को अगर ये रिश्ता रहता है जो कि रहेगा इंशाल्लाह, तो फिर अपने इस रवैये की क्या वजाहत दोगे? बेगम मैं अमीन की तरफ गया हुआ था तो वहां आपा का फोन आया, मैंने उन्हें फरहत के रिश्ते के बारे में बताया, बहुत खुश हो रही थी, बहुत दुआएं दे रही थी फरहत को, और मैंने उन्हें कहा कि आप तैयारियां कीजिए, आपने ज़रूर आना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ वो ज़रूर आएंगी, और आपको भी वो बहुत सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम, क्या कह रही थी, है कोई इरादा फरहत की शादी पे आने का? हाँ हाँ इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगी, बहुत खुश हो रही थी, और कह रही थी कि अगर रज़ा और उसकी बीवी ना भी आए तो वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान आने का प्लान करें। क्या मतलब अकेली आ जाएंगी, तो रहेंगी किधर, हमारे घर? कमाल करती हैं आप ही बेगम, ये अपनी वालदा को समझाएं, भाई के घर पे नहीं रहेंगी तो और कहाँ रहेंगी? वैसे अगर रजा भाई के साथ भाभी भी आ जाए तो कितना मजा आएगा। रजा और उसकी बीवी साथ नहीं आएंगे, वो तो चाहेंगे कि तुम्हारी पुप्पो अकेली पाकिस्तान आ जाए ताकि वो कुछ दिन सुकून से गुजार सके। बेगम कमाल करती हैं आप, एक तो ये जो नंद और भाभी की रवायती टसल है ना, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। फरहत बेटे शुगर कीजिए, आपकी कोई नंद नहीं है, वरना आप भी अपनी अम्मी की तरह सारी जिंदगी अपनी नंद से हसद ही करती रहती। मैं नहीं करती किसी से हसद। हाँ हाँ आप तो सबको दुआएं देती हैं। अच्छा खैर छोड़े, ये बताएं कि आपने उनसे कोई तारीख भी ली है, कोई बात की है इस सिलसिले में? हाँ मैंने उन्हें कॉल की थी छोटी बहू की तबीयत पूछने के लिए, मगर इस बारे में बात नहीं हुई, कह रही थी मसरूफ हूँ, आपको खुद फोन करती हूँ, मगर अभी तक की नहीं है। अरे बेगम जहन से निकल गया होगा, आप खुद फोन कर ले उन्हें। मैं बिल्कुल कॉल नहीं करूँगी, वो तो उनकी बहू की तबीयत खराब थी तो बहाना मिल गया, वरना अच्छा नहीं लगता कि लड़की वाले बार बार फोन कॉल करें, अब तभी बात होगी जब वो खुद कॉल करें।
अच्छा बाबा, जैसे आपकी मर्जी। हेलो, कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ यार तुम्हें। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम वासिफ की भाभी से मिली थी? हाँ मिली थी, क्यों? सीरियसली? हद है यार, हद हो गई। तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ देती उसका? लिसन, ये मेरा और वासिफ का मसला है, तुम क्यों मुझ पे शाउट कर रहे हो? तुम्हें क्या इशू है भाई? मेरा ये इशू है कि उसे लगता है कि मैं इस सारे तमाशे में तुम्हारे साथ मिला हूँ। फोन आया था मुझे वासिफ का, गुस्से में था, नाराज हो गया मुझसे। लेकिन उसने मुझे तो कोई कॉल नहीं की। हो सकता है तुमसे फेस टू फेस बात करे, लेकिन जब भी बात हो मेरा नाम क्लियर कर देना सारे मैटर से। उसे कह देना कि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं था। भाइयों जैसा दोस्त है मेरा, and I don't wanna lose him. Ali, I also don't wanna lose him. The try, that's for you. झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? और झूठ थोड़ी ना बोला है, सरप्राइज दिया। यार वासिफ भाई, अब तो अपना मुंह ठीक कर लो। चल एक तो इसको चैनी। हेलो, अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। अल्लाह हाफिज। तुम भी नसीर भाई वाली हरकत कर रहे हो ना, हद है वैसे। कल को अगर ये रिश्ता रहता है, जो कि रहेगा इंशाल्लाह, तो फिर अपने इस रवैये की क्या वजाहत दोगे? यार सिर्फ यही मसला नहीं। तो फिर और क्या मसला है? यार तुम एक ही चीज बार बार दोहरा के ना मेरा मूड बहुत खराब करो। और ये साकिब क्या रह गया? दुबई से आया है। तो दुबई से आया, इसका ये मतलब थोड़ी है हम उसके बाप के नौकर यहाँ बैठे वेट करते रहेंगे। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, मैं कॉल करता हूँ उसको। मेरे पास बैलेंस नहीं है, तुम जरा दो फोन अपना। ये तो हमारे पास बैलेंस होता है कभी? कल था वैसे। हेलो साकिब, कहाँ हो? बहुत जल्दी है यार, वासिफ पे गुस्सा करें, जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है ओके। पराठे ले रहा था, आ रहे यार दुबई से। हो क्या गया? सिर्फ ये मतलब है यार, लेट आएंगे, हम लोग को वेट करवा रहे हैं यहाँ पे। अरे क्या हो गया, आ जाएगा। बेटा मेरे साथ। बेटा क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, आप बताएं क्या कह रही थी। बेटा तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई बात है, बताओ। बस वो थोड़ा सा सर में दर्द था।
सारा दिन मोबाइल में लगी रहोगी तो सर में दर्द तो होगा ना। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। आप बताए ना क्या कह रही थी। बेटा बस बेचारी थी कि अलमारी सेट कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल कर लेंगे, तुम रेस्ट करो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसे ख्याल आ गया आज फोन करने का है? अरे एक बहुत बड़ा बाबा है, तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि कोई पीर फकीर हो तो मुझे बताओ, तो नरगिस मुझे बता रही थी कि एक जलाली पीर है, बस 3 दिन के अंदर अंदर यूं मसला हल कर देता है। अम्मा तुम ना ये नरगिस और उसके जाली पीर ना अपने पास रखो, पहले भी उसके बहाने ना 5,000 रुपए लिए थे तुमने, कुछ भी नहीं किया उसने। अरे भाई इन कामों में पैसा तो खर्च होता ही है ना, अब नरगिस ने तो उस बाबे को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया, अब तुम देखना अब तुम्हारे देवर का रिश्ता नहीं होगा, बस 7,000 का खर्चा है। एक टका नहीं देने की मैं, मुझे नहीं अखबार तुम पर और ये तुम्हारे नरगिसी बाबों पर, भाड़ में जाए वो। मारे गए 7,000 रुपए, जैसे पैसा ना आसमानों से गिर रहा है, उठा के इनको दे दूंगी मैं। क्या खा जाने वाली नजरों से देख रहे हो? हम मुसलमान हैं, हमें हराम चीजें नहीं खाते। ओहो लगता है जनाब की अगड़ अभी तक निकली नहीं। ज्यादा ना भरम देने की जरूरत नहीं है, खुश हो गई तुम सबके सामने उठक बैठक करवा के? कसम से इतनी खुशी हुई थी ना तुम सोच भी नहीं सकते। अदे यार समन, मैं तो समझ रहा था कि तुम सॉरी करोगी मुझसे आके, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है तुम में, गुरूर खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों ना करूं गुरूर, क्यों ना दिखाऊं एटीट्यूड, इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं है, पहले अकड़ता है फिर जब दूसरा बंदा अकड़े तो नाराज हो जाता है और सॉरी बोलवाता है। जाओ बोल दिया मैंने सॉरी। आइंदा तुमने सबके सामने उठक बैठक करवाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आइंदा अगर तुम सबके सामने अकड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार तुम ये लड़ी शुरू किसने किया था? लव वर्क फॉर यार, बहुत एटीट्यूड है तुम में। हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा वैसे बहुत बुरे हैं आप लोग जैसे भी। थैंक यू, नमूद ठीक कर लो। क्या पढ़ी हो ये? मेडिकल। यार वासिफ तुम यहाँ बैठे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? यार वासिफ मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, जो किया रामीन ने किया। पता है मुझे, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरी एक बात सुनो, जिंदगी में हमेशा नाराजगी का इजहार उससे करना जो कसूरवार हो। तुम्हें गुस्सा है तो जाके रामीन पे निकालो, मैंने क्या किया? मैंने उसको भी यही कहा था कि तुमसे जब मिले तो बात क्लियर कर दे कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन देखो उसने मुझे एक बार भी अप्रोच नहीं किया कोई वजाहत देने के लिए, वो समझती है उसने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। उसके पास अपनी वजाहत के लिए कुछ है ही नहीं, शी हैज नथिंग टू एक्सप्लेन। तुम्हें जाना चाहिए था उसके पास और उसे वार्निंग देनी चाहिए थी। ना तो मैं उसके पास जाऊंगा और ना मैं उसे कोई वार्निंग दूंगा, मैं उसे बताना चाहता हूँ उसने जो कुछ किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसके घर जाके उसके बाप से बोलूंगा कि अपनी बेटी को ना काबू में रखे।
ये याद कर लिया तुमने? यार I'm sorry. It's okay. तुमने पढ़ा ही वाला? नहीं यार अभी पढ़ने ही आ रहा था, मैंने बोला तुम्हें साथ ही बैठ के पढ़ लेते। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम शनाज, आओ आओ बैठो। ये क्या? ये लीजिए देसी घी, लाड़काना से मंगवाया, बिल्कुल असली और खालिस। अस्मा को जरूर खिलाइए। अस्मा को खाने पीने की चीजों से ज्यादा अपने शौहर की मोहब्बत की जरूरत है। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ जो वो जो लड़की हमने देखी थी उसके बारे में जरा मालूम तो करो कि उसकी बात कहीं तय हुई है कि नहीं। लगता है बाजी वासिफ और वलीद दोनों की एक साथ शादी करने के बारे में सोच रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ वासिफ का सोच रही हूँ। क्यों, जहाँ बात हुई थी वहाँ क्या हुआ? क्या मना कर दिया उन लोगों ने? अरे नहीं, उन्होंने क्या मना करना था, मगर वहाँ बस मेरा दिल नहीं मान रहा। कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई, मगर फिर भी क्या हुआ जरा? ये क्या हुआ है? ट्रे गिर गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है? हेलो, बिल्कुल ठीक। ये क्या है? ये शनाज खास तुम्हारे लिए देसी घी लेकर आई है। हाँ भाई माशाल्लाह, उम्मीद से हो। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, खास तौर पे अपने खाने पीने में दूध दही और घी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखना। सुन लिया ना? अच्छा शहनाज, मेरी बात तुमने भूलनी नहीं, उस लड़की का पता करके मुझे बताओ। माँ जी आप फिक्र ही नहीं करें, शाम तक फोन करके सब बता देते। किस लड़की का पता करवाने का कह रही? एक लड़की देखी थी ना हमने, मैंने और शहनाज ने जाके वासिफ के लिए। आपने उनको मना कर दिया? नहीं नहीं मना तो नहीं किया, मगर बस अब उनका अगर फोन आएगा तो मैं कह दूंगी सोच कर बताएंगे, अकलमंद होंगे तो खुद समझ जाएंगे। अरे अम्मी क्या बताऊं, तुम्हारे पीर ने तो काम कर दिया। क्या हुआ? अरे मैंने अपने कानों से सुना है, बड़ी भी कह रही थी कि उनका अब दिल नहीं है वासिफ का रिश्ता वहाँ पे तय करने का। हाय सच कसम से, लेकिन देखो कितनी खुन्नस निकाली ना इस बुढ़िया ने मुझसे। अरे पड़ोसन को बता रही थी, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी इसने। अरे दफा कर उसे, तू उस पीर की मुरीद बन जा। देखा तूने, इधर उसने अमल शुरू किया, इधर तेरा काम बन गया। बस तू पैसे लेके ना फटाफट आ जा मेरे पास। हाँ हाँ कल जमाल के साथ आके ना पैसे दे दूंगी तुम्हें मैं। जमाल के साथ मत आना, अकेले आना, फिर तू और मैं उस पीर साहब के पास चलेंगे। माँ ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन ये बुढ़िया इतने सवाल जवाब करेगी मुझसे। अरे ना ना, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना उससे डरने की जरूरत है, समझे? अब तो मैं उस बुढ़िया के लिए भी एक तावीज जरूर कराऊंगी। चलो अब फोन रखो, मुझे खाना बनाना है। क्या बना रही है? भगा रहे बैंगन खाने का दिल कर रहा था बड़ी भी का। इस उम्र में भी मैदा इतना पक्का है कि बैंगन हजम कर लेता है। हाय हाय, अरे ये भुनी हुई चीजें इन भरे भरे घरों में कहाँ बनती है? अरे फ्री की नौकरानियाँ मिली हुई है बड़ी भी को, बनवाई जा रही है मजे मजे के खाने, ये नहीं पता कितने घंटों लगते हैं बघारे बैंगन बनाने में। चलो अल्लाह हाफिज। बेटा खाना खा लो। फरहत जी। बेटा खाना खा लो। अम्मी अभी तक तो अब्बू भी नहीं आए। बेटा वो अंकल नदीम के साथ खा लेंगे, मैं रात से देख रही हूँ तुम डिस्टर्ब हो। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वासिफ से कोई बात हुई? मेरी उससे कोई बात नहीं आई। अच्छा अगर कोई बात हो तो उसे कहना अपनी अम्मी को कहे मुझे कॉल करे, वो कह रही थी मुझे कॉल बैक करेगी। अगर बात हुई तो बोल दूंगी। लो आपने कहा। अच्छा ठीक है, शुरू ठीक है।